हेलो एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में बात करेंगे वेंटिलेशन सिस्टम डिज़ाइन फॉर द जनरेटर रूम्स। बेसिकली जनरेटर रूम्स वी कॉल इट एज डीजी रूम्स, डीजल जनरेटर रूम्स। तो इस स्पेस में वेंटिलेशन का रिक्वायरमेंट क्या है एग्जॉस्ट का और फ्रेश एयर का, ड्यू टू जो हीट जनरेट हो रही है इनसाइड दिस डीजी रूम, वो कैलकुलेशन देखेंगे। और एक सैम्पल सा ड्राइंग है हमारे पास, ठीक है। इसमें आई विल प्रॉपरली शो यू लाइक हाउ यू विल प्लेस द एग्जॉस्ट लूवर्स और फ्रेशर लूवर्स का कैसे प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो बिफोर दैट आई जस्ट गो थ्रू विद द स्लाइड्स। तो पर्पस क्या है पहला, कि हम क्यों वेंटिलेशन करें, बिकॉज टू एक्सट्रैक्ट द हीट डिसिपेटेड फ्रॉम द जनरेटर। बिकॉज इसमें क्या है कि दो सोर्सेज होते हैं, एक तो जो आपका रेडिएटर है जो कि बहुत ज़्यादा हीट को फेंकता है, ठीक है, एंड सेकेंड इज द इंजन, ठीक है। तो ये दो मेन सोर्सेज ऑफ हीट जनरेशन है जिनकी हीट को हमें एक्सट्रैक्ट करके उसको विद द हेल्प ऑफ फैन और आइदर नेचुरल वेंटिलेशन हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है। और दूसरा पर्पस क्या होता है कि इस रूम में हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर डिजाइन करना होता है, ठीक है, विच शुड नॉट बी मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 50 डिग्री मैक्सिमम डिजाइन टेम्परेचर रहता है, इससे कम पे ही डिजाइन करते हैं। बाकी एक्चुअल जो हमारा डिजाइन टेम्परेचर वो क्या होगा वो भी देखते हैं इसमें आगे। तो देयर आर सम डिजाइन कंसिडरेशंस कि मैक्सिमम अलाउबल टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री रहता है, और जो हम इनसाइड द स्पेस यानी कि इस रूम के अंदर जो डिजाइन करते हैं वो जैसे बाहर का टेम्परेचर 43 फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि न्यू दिल्ली कितना रहता है 43 है एम्बियंट टेम्परेचर, उससे 5 डिग्री ज्यादा रहेगा, ठीक है। अगर बाहर का 43 है तो 43 प्लस 5 48, ठीक है, ये मिनिमम है, मिनिमम 5 रहना चाहिए, मिनिमम 5 ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है, और नॉट शुड बी मोर देन 50 डिग्री, 50 डिग्री से ज्यादा नहीं, और जो एम्बियंट टेम्परेचर है उससे 5 डिग्री ज्यादा। तो अगर आप देखोगे ये आपका जनरेटर रूम है, ये जनरेटर रूम जनरेटर प्लेस किया हुआ है, इसमें यहाँ पर एग्जॉस्ट का लूवर है या फ्रेश एयर लूवर है। ये जो वेंटिलेशन का स्ट्रेटजी है ये नेचुरली वेंटिलेटेड है, ठीक है, नेचुरल वेंटिलेशन है, इसमें वी आर नॉट यूजिंग एनी फैन, ठीक है। ओके, देन स्कोप ऑफ डिजाइन क्या रहेगा इसमें, कि जो फ्रेश एयर की रिक्वायरमेंट क्या है और एग्जॉस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा फ्रेश एयर के जो लूवर्स हैं और एग्जॉस्ट के लूवर्स हैं उनका साइज, उनकी साइजिंग, ठीक है। तो फ्रेश एयर जो हमारा एग्जॉस्ट का रहता है वही फ्रेश एयर एंड एग्जॉस्ट बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो हमें कोई एक निकालना होता है, द सेम विल बी वैल्यू फॉर द एग्जॉस्ट ऑल्सो एंड फ्रेश एयर ऑल्सो। तो टोटल जो वेंटिलेशन एयर फ्लो है वो दो पार्ट में, V1 प्लस V2। एक तो जो हीट जनरेट हो रही है रूम के अंदर, डीजी रूम के अंदर जो हीट जनरेट हो रही है उसको बाहर निकालने के लिए कितना वेंटिलेशन चाहिए, कितना एयर फ्लो चाहिए, और जो डीजी में जो जनरेटर में इंजन है हमारा उसके अंदर क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, तो उस कंबशन के लिए भी प्रॉपर एयर फ्लो चाहिए होता है, विदाउट एयर कंबशन इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए कितना एयर फ्लो चाहिए होगा वो भी उसमें ऐड किया जाएगा, देन वी विल गेट द टोटल वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपको कैटलॉग से मिल जाएगा, जो भी उस जनरेटर का कैटलॉग होगा उससे वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और जो V1 है उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वेंटिलेटिंग एयर फ्लो इज इक्वल टू Q/0.0171 × ∆T। तो ये जो बेसिकली फॉर्मूला है ये आपका सिंपल, हमने किससे ड्राइव किया ये फॉर्मूला, आया कैसे, तो इसके लिए छोटा सा एक डेरिवेशन में दिखा देता हूँ कि वैल्यू हाउ डिड आई अराइव। HVAC में एक मोस्ट बेसिक इक्वेशन है Q=mCp∆T, राइट, mCp∆T आपकी ज्यादातर सारी ही कैलकुलेशन में इसका यूज होता है।
इसके इसमें क्या है कि आपका क्यू इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी, टेम्परेचर का डिफरेंस। ये जो मास है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास बराबर आ जाएगा डेंसिटी और वॉल्यूम के मल्टीपल के। तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सीपी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अगर मुझे इसमें खाली वी पता करना है, वी इज द वेंटिलेशन एयर फ्लो, तो ये सारे नीचे आ जाएंगे, तो वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेंसिटी इंटू सीपी इंटू डेल्टा टी। करेक्ट, तो डेंसिटी जो आपकी एयर की है दैट इज 1.0 समथिंग केजी पर मीटर क्यूब, 1.0 समथिंग, और सीपी जो है आपकी एयर की दैट इज 0.017 ओके किलोवाट पर मिनट्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो जब इन दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 0.0171। ठीक है, एंड डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस, क्यू इज द हीट रिजेक्शन, हीट डेसिपेशन। ठीक है, तो अगर हमें क्यू पता हो और टेम्परेचर डिफरेंस पता हो तो हम कितना वेंटिलेशन एयर फ्लो चाहिए हमें उस स्पेस में, उस डीजी रूम में, वो कैलकुलेटेड कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर क्यू है वो क्यू है हीट लॉसेस फ्रॉम द जनरेटर। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल किलोवाट नहीं है। एक तो होगा जनरेटर का कितने किलोवाट का जनरेटर है, ये हो गया इलेक्ट्रिकल किलोवाट। एक होता है कि ठीक है इतना किलोवाट का जनरेटर, बट ये हीट कितनी निकाल रहा है, इसका हीट का डिसिपेशन कितना है, वो हमें डालना है यहाँ पर। तो ये क्यू इज नॉट द इलेक्ट्रिकल किलोवाट, दिस इज द हीट डिसिपेशन, मतलब उस जनरेटर में से, उस जैसे ये जनरेटर है आपका, इस जनरेटर में से इसके रेडिएटर से और इसके इंजन से कितना हीट रेडिएट हो रहा है वो है। ठीक है, तो उसके लिए कैसे हम उसको निकालेंगे, तो उसके दो तरीके हैं, उसके दो तरीके हैं क्यों निकालने के। एक तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैटलॉग है उस जनरेटर का। ठीक है, आपके पास कैटलॉग है, उसमें सारी वैल्यूज दे रखी हैं कि भाई इंजन से कितना होगा और जो उसमें अल्टरनेटर लगा हुआ है उससे कितना हीट डिसिपेट होगा, सारी वैल्यू ऐड करके हम इसमें डाल देंगे। दूसरा फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैटलॉग नहीं है, ठीक है, आपके पास कैटलॉग नहीं है, इन दैट केस आपको क्या पता होना चाहिए उस जनरेटर का इलेक्ट्रिकल किलोवाट कितना है। तो इलेक्ट्रिकल किलोवाट को कन्वर्ट करके हम हीट डिसिपेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला केस देख लेते हैं जिसमें हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कैटलॉग है। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्सेल यूज करता हूं मैं, एक्सेल हमारे पास ये रही। ठीक है, जनरेटर रूम वेंटिलेशन, इसमें आपको खाली वैल्यूज पुट करनी है, हीट डिसिपेशन कितना हुआ, ये कहाँ से आएगा, जनरेटर डेटा शीट से, बाहर का टेम्परेचर कितना है और डिजाइन टेम्परेचर कितना रखना है, जो कि मैंने बताया था मिनिमम 5 तो ज्यादा रखते ही रखते हैं, बट 50 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये आ गया, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला वही जो मैंने अभी दिखाया है वो आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट इसको कर देगा। ठीक है, अब ये डेटा शीट से कैसे मिलेगा, एक पीडीएफ शेयर करता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये आपकी जनरेटर की डेटा शीट है। ठीक है, तो इसमें परफॉर्मेंस है, फ्यूल कंजम्पशन उसको कितना किया, एक मैंने ले लिया है ऐसे ही, तो आप कंसल्टेंट से, इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं कि वो किस कंपनी के यूज कर रहे हैं, और उसका पैकेज परफॉर्मेंस बोलते हैं इसको, पैकेज परफॉर्मेंस उससे ले सकते हैं। तो इसमें फ्यूल कंजम्पशन, कूलिंग सिस्टम, वो सब आपका आ जाएगा। हमारे काम का क्या है इसमें, ठीक है, हम इलेक्ट्रिकल के बंदे तो नहीं, तो हमारे काम का क्या है, हमारे काम का है ये हीट रिजेक्शन। ठीक है, अब हीट रिजेक्शन वाले में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हीट रिजेक्शन में बहुत सारी चीजें हैं, हमें किस पे ध्यान देना है, जो हीट इंजन से निकल रही है और जो हीट जनरेटर से निकल रही है। कभी किसी किसी में आप देखोगे ये अलग अलग कॉलम्स होते हैं, इस वाले कैट उसका है, कैटरपिलर का है, तो इन्होंने एक में ही दे दिया है ये। ठीक है, तो इस केस में आपकी ये वैल्यू 114, इतना किलोवाट का हीट निकल रहा है जनरेटर से। ठीक है, और हीट रिजेक्शन टू जैकेट वाटर, ये आपका ऑक्सिलरी सर्किट में चला जाएगा, ये भी वाटर के थ्रू चला जाएगा,
ये स्पेस में नहीं आएगा, तो हमें इसमें से वो हीट रिजेक्शन देखना है जो कि स्पेस के अंदर आ रहा है, ठीक है, स्पेस में आ रहा है। तो भाई ये कितना है, ये 114 है, ठीक है। इसमें भी आप वो पूछ सकते हो उससे कि इसका या ना वो दे रखा है परफॉर्मेंस नंबर, तो दोनों में से कौन सा परफॉर्मेंस नंबर चूज किया उसने, उसके बेस पे हम यहाँ पर उसका हीट रिजेक्शन एटमॉस्फेयर में कितना हो रहा है वो देख सकते हैं। तो किलोवाट में कितना है, ये 114 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया इसमें, 114 आई विल पुट एंड एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट टेम्परेचर आपको इशरे की डेटा बुक से मिल जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली का कितना है, 43, ठीक है। तो 43 डिग्री सेल्सियस और उससे 5 ज्यादा यानी कि डिजाइन टेम्परेचर रूम के अंदर का, तो 43 + 5 दैट इज 48, ठीक है। देन वी हैव दिस फॉर्मूला, तो आपका कितना आ गया, 1333 m³/min। ये आ गया V1, ठीक है, ये आ गया V1। V2 कैसे पता लगेगा, तो V2 मैंने आपको बताया था कैटलॉग से हम निकाल लेंगे, ठीक है। कैटलॉग में कहाँ पे मिलेगा, कैटलॉग में एक आपका पैकेज परफॉर्मेंस में एक ऑप्शन होता है इनलेट एयर का, ठीक है, इनलेट एयर का। तो इसमें दे रखा है कंबशन एयर फ्लो रेट, राइट। तो ये क्यूबिक फिट पर मिनट अगर आप देखोगे ब्रैकेट वाला कितना दे रखा है, 3903, ठीक है, 3903 है, लेकिन ये क्यूबिक फिट पर मिनट में है। इसको कन्वर्ट कर लेंगे m³/min में, डिवाइड करके 35.7 का, 35.7 का आप डिवाइड करोगे 3903 से, दैट विल बी कन्वर्टेड टू m³/min। अब हमारे पास v1 भी आ गया और v2 भी आ गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वेंटिलेशन का एयर फ्लो आ जाएगा, ठीक है, यानी कि जो उतना हमारा एग्जॉस्ट करना है और कितना में फ्रेश एयर बाहर से लेनी है, ठीक है। ये m³/min में आ गया और इसको आप और कन्वर्ट करोगे m³/s में, दैट इज कन्वर्टेड टू 24/60, 60 डिवाइड कर दोगे तो आपका वेंटिलेशन का एयर फ्लो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला पहला और दूसरा, यानी कि एग्जॉस्ट और फ्रेशर की रिक्वायरमेंट्स, दैट इज कंप्लीटेड। अब जो लूवर्स हम प्लेस करेंगे, ठीक है, लूवर्स यानी कि एग्जॉस्ट के और फ्रेशर के, उन दोनों का देख लेते हैं कि क्या साइज आएंगे, ठीक है। बेसिकली आपको एरिया बताना होता है कि इतने एरिया का लूवर चाहिए, ठीक है। तो एरिया के बेस पे हम विड्थ और हाइट उसकी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसमें एग्जॉस्ट का है और फ्रेशर का है, तो लूवर के लिए आपको सबसे पहले चीज वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो वेलोसिटी में हम 2.5 m/s से ज्यादा नहीं जाते हैं, ठीक है, इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग द फ्री एरिया। फ्री एरिया कंसिडर करेंगे तो वो बढ़ जाएगी और एफिशिएंसी उसकी कम हो जाएगी, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो वो अगर अगर आप फ्री एरिया ले रहे हो दैट इज विल कन्वर्टेड टू 5 m/s, ठीक है, बट 2.5 आपका फेस वेलोसिटी पे ही हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो 2.5 यहाँ पर सिंपल से एक फॉर्मूला लगा हुआ है, क्यू इज इक्वल टू एरिया इन टू वेलोसिटी, ठीक है। तो एरिया निकालना है तो q/v, यानी कि इससे इसको डिवाइड कर दिया तो आपका 9.6 आ गया, ठीक है। ऐसे ही फ्रेशर के लिए हम 2 m/s फ्रेशर की वेलोसिटी लिए लूवर के लिए, और इसको क्यू से इस वेलोसिटी को डिवाइड कर दिया तो आपका फ्रेशर की लूवर एरिया आ गया, ठीक है। ये एरिया आया है बट डायमेंशन कितना होगा, ठीक है, डायमेंशन कितना होगा, तो 9.6 है, 9.6 हम कह सकते हैं, लेट से 10, ओके। सो 10 एरिया है, 10 का एरिया मतलब 2 5s are 10, यानी कि 5 विड्थ हो गई और हाइट कितनी हो गई, 2 2 m की हाइट हो गई। ये अभी रेविट में मैं डिजाइन करूंगा, ये रेविट में हम कैसे फ्रेश एयर के और एग्जॉस्ट एयर के लूवर को प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है, ठीक है, एग्जॉस्ट और इनटेक लूवर साइज। ये तो हो गया पहला केस कि हमें हमारे पास कैटलॉग है और हमने उसमें से कैलकुलेट करके सारे वैल्यूज मिल गए, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें जो क्यू की वैल्यू है वो चार्ट से मिल गई इस वाले कैटलॉग से। दूसरा केस आता है आपके पास वो चार्ट नहीं है,
और आपको पता नहीं है कि कौन सा मॉडल वगैरह सेलेक्ट किया है, इन दैट केस आप कैसे निकालोगे? तो फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास, मैंने आपको क्या बताया था इसमें कि अगर हमारे पास कैटलॉग नहीं तो हमें क्या पता होना चाहिए, किलोवाट तो पता होना ही होने चाहिए, बिना किलोवाट के नहीं निकलेगा, ठीक है। और एफिशिएंसी समवेयर लाई करती है इसकी 90 to 95%, ये भी आप पूछ सकते हो इलेक्ट्रिकल पीपल से कि वो कितना एफिशिएंसी है। तो फॉर एग्जाम्पल एक जनरेटर है जिसका किलोवाट, इतने किलोवाट का जनरेटर है, ये कौन सा किलोवाट है? इलेक्ट्रिकल किलोवाट है, थर्मल वाला किलोवाट नहीं है जो हीट लॉस हो रहा है। तो इतना इलेक्ट्रिकल किलोवाट का जनरेटर है, इतनी उसकी एफिशिएंसी है, कितना हीट डिसिपेट करेगा रूम के अंदर, उसका निकालने का ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। छोटी सी कैलकुलेशन कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कितना एफिशिएंसी है 90, तो P तो हो गया इलेक्ट्रिकल पावर, एफिशिएंसी हो गई 90 यानी कि 0.9, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.9 राइट -1, ठीक है, ये आ गया आपका मल्टीप्लाइड बाय 975, कितना आ गया 108, 108 आपका ये आया हीट डिसिपेशन। तो आप डायरेक्टली ये वैल्यू इस एक्सेल में यहाँ पुट कर दीजिए, ये आपने मैनुअल कैलकुलेशन कर लिया, पहले आपने कैटलॉग से देख के डाला था, ठीक है। अच्छा एक केस और होता है, एक केस ये होता है कि भाई किलोवाट्स की जगह केवीए देते हैं, केवीए अगर आपको पता है, किलोवाट नहीं पता, केवीए पता है, तो उसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है किलोवाट को केवीए में कन्वर्ट करने का, पावर फैक्टर इज इक्वल टू किलोवाट डिवाइडेड बाई केवीए, ठीक है। तो केवीए आपको पता है, केवीए जो भी अगर इलेक्ट्रिकल बंदे ने दिया हुआ है केवीए, के फॉर एग्जांपल 110 केवीए का है या 50 केवीए का है, तो वो वैल्यू प्लस उसका पावर फैक्टर, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ, आप इस कैटलॉग में अगर आओगे ना ऊपर, तो परफॉर्मेंस में आपका दे रखा है जेनसेट पावर रेटिंग एट द रेट 0.8 पावर फैक्टर, और उसका केवीए कितना है 1844, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई इसका किलोवाट, मान लो मेरे पास ये किलोवाट है, केवीए है और 0.8 पावर फैक्टर है, तो क्या करेंगे, सिंपली जो आपका केवीए मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर 0.8, 1475, इसका क्या आ गया देखो यहाँ पर है ना 1475, ये क्या है किलोवाट है, तो इस तरह हम किलोवाट निकालते हैं 1475। ओके सो ये हो गई आपकी मैनुअल कैलकुलेशन। अब एक बार रेवेट में हम साइज कर लेते हैं कि हमारा कैसे एग्जॉस्ट का प्लेसमेंट होगा और कैसे फ्रेशर का होगा, ठीक है। चलिए ओके, तो इसमें हमारी रिक्वायरमेंट कितनी आई, 24 मीटर पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, वेंटिलेशन की। तो 24 24 मीटर क्यूब पर सेकंड है ना, 20 अगर लीटर पर सेकंड में करूंगा तो 30 लगा दिए लीटर पर सेकंड। एग्जॉस्ट एयर एंड फ्रेश एयर, ठीक है, वेंटिलेशन के लिए। अब इसके एक बार मैं सेक्शन दिखा देता हूँ, इस सेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये जो है आपका ये वाला पार्ट, ये आपका क्या है रेडिएटर, और यहाँ आपका क्या प्लेस है इंजन, ठीक है। तो इंजन को चाहिए होगी फ्रेश एयर, ठीक है, कंबशन के लिए, तो फ्रेश एयर आप लोगे यहाँ से, और रेडिएटर से निकलेगी एग्जॉस्ट, तो एग्जॉस्ट निकल के यहाँ से आपकी बाहर जाएगी, तो यहाँ पर आपका एग्जॉस्ट एयर लूवर आएगा और यहाँ पर आपका फ्रेश एयर लूवर आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है, यहाँ पर जो मैंने स्ट्रेटजी बताई आपको, ये कि यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगा और यहाँ से फ्रेश एयर आएगी, ये कहलाएगी नेचुरल वेंटिलेशन, यहाँ फैन का यूज नहीं किया हमने, ठीक है, नेचुरली वेंटिलेट हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है, हम फोर्स वेंटिलेशन भी करते हैं, मतलब फैन का भी यूज करते हैं, बट वो बहुत रेयर केस में होता है, बिकॉज क्या है कि इसका फ्लो रेट इतना ज्यादा हाई होता है, तो डक्ट का साइज इतना बड़ा आएगा, आप कहाँ तक उसको ले जाओगे, तो
तो आर्किटेक्ट्स स्पेस को बचाए, तो इतनी बड़ी रेट के लिए स्पेस भी चाहिए होगा, आइदर शाफ्ट चाहिए होगी या आपको उसको पाथ देना होगा। तो स्पेस को खुद बचाने के लिए ज्यादातर हमारे जो डीजी रूम्स होते हैं वो बेसमेंट में प्लेस किए जाते हैं, तो डायरेक्टली उसका जो एग्जॉस्ट होता है हम ड्राइवे में कर देते हैं और साइड से वो फ्रेश एयर ले लेता है, या फ्रेश एयर के लिए कभी कभी फ्रेश एयर फैंस लगा दिए जाते हैं, तो जिससे कि वो ऊपर से कोई पेंट हाउस बना के या छत पे से वो विद द हेल्प ऑफ फ्रेश एयर ले लेता है। बट यहाँ जो हम स्कीम या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं वो नेचुरल वेंटिलेशन की है, फ्रेश एयर डायरेक्टली फ्लोअर से आएगी और एग्जॉस्ट यहाँ से होगा। ठीक है, चलिए ओके। तो अब क्या है इसमें, जब आप इसको सेलेक्ट करोगे जनरेटर को, ठीक है, एक बार 3D में भी और दिखा देता हूँ, ये आपका ये जो रेक्टेंगुलर है ये आपका रेडिएटर एंड दिस इज योर इंजन। तो मुझे इससे डक्ट कनेक्ट करनी है, राइट। मेरा कितना फ्लो रेट है, 24,000। डक्टुलेटर ऑन कर लेता हूँ, चौबीस हजार फ्लो रेट है, ठीक है। तो 24,000 डाला मैंने, 0.8 पे मैं डिजाइन कर लेता हूँ, 0.8 पास्कल पर मीटर, बिकॉज ये एग्जॉस्ट की है। और इस पे मैंने फॉर एग्जाम्पल से 1,000 1,000 बाई 2,150 तो बहुत ज्यादा है, मैंने लिया 1,300, 1,300 पे 1,300 बाई 1,600, बट मुझे एक रेक्टेंगुलर चाहिए, सॉरी स्क्वायर स्क्वायर में चाहिए, 1,400, 1,400 बाई 1,475, लेट से 1,450, 1,450 बाई 1,450, सो दिस इज द साइज विच आई एम लुकिंग फॉर। ओके, ये डक्ट का साइज होगा। और एक चीज और देखनी है आपको इसमें, जो वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी 2.12.3 है, विच इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो अगर देखिए, तो 24,000 है, अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है 15 है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी, इस केस में आप साउंड एटेन्यूएटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट 12 भी ज्यादा है, इट शुड नॉट मोर देन, मतलब 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, फ्रिक्शन कम कर सकते हो यहाँ पर 0.7, ओके, या 0.65, तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। या इफ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, सिंपली यूज साउंड एटेन्यूएटर्स, ठीक है। बट इन रूम्स में क्या होता है, जब ये ऑपरेट होता तो इसकी खुद की नॉइस इतनी होती है कि ये एग्जॉस्ट का मतलब उतना मैटर नहीं करती, ठीक है। तो इस पे भी हम डिजाइन कर सकते हैं। तो हाँ, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यू हैव एन ऑप्शन फॉर द आउटलेट, क्लिक ऑन दिस वन, ये हमारा डक का माउथ आ गया, राइट। हमें डट का साइज कितना चाहिए, द साइज इज 1450 बाई 1450, ओके, 1450 बाई 1450, ठीक है, ये आपकी डक्ट निकल गई, ठीक है। यहाँ पर क्या कनेक्ट होगा इस वॉल पे, एग्जॉस्ट एयर लूवर, ठीक है। तो एग्जॉस्ट एयर लूवर के लिए आई गो टू द एयर टर्मिनल्स, एयर टर्मिनल्स में मेरे पास एक फैमिली है एग्जॉस्ट एयर लूवर की, ठीक है। तो मेरा साइज क्या है, एग्जॉस्ट एयर लूवर के लिए मेरी रिक्वायरमेंट है 10 मीटर स्क्वायर की, 10 मीटर स्क्वायर मतलब 2 × 5, यानी कि 5 विड्थ हो गई और 2 क्या हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। तो पहले मैं यह प्लेस कर देता हूँ, और इसका साइज मुझे चेंज करना है, तो डायरेक्टली आई गो टू द एरिया टाइप, डुप्लीकेट, 5 मीटर बाई 2 मीटर, ओके, डुप्लीकेट कर दिया, ओके, इट्स लोडिंग, देन हाइट दैट इज 2 मीटर एंड विड्थ इज 5 मीटर, क्लिक ओके। ठीक है, तो एक तो ये अल्टरनेट बनता है, दूसरा आप 2.5 × 4 ये भी कर सकते हैं, राइट। 2.5 × 4 दैट इज इक्वल टू 10, राइट, 2.5 × 4 10, तो उस केस में मेरी जो है लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। गो टू द सेक्शन, इसको
पहले आप क्या करना है, इसमें से एक आप डक्ट का पीस निकाल लें, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू कनेक्ट। अलाइन दिस, ठीक है, एंड कनेक्ट दिस। ओके फाइन। तो अगर आपको ये ट्रांजिशन पीस की लेंथ कम करनी है, राइट, इट इज वेरी लेंथी, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, 2.5/4, तो यानी कि उसमें विड्थ कम हो जाएगी, तो ट्रांजिशन पीस की भी जो है जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। सो दिस इज जस्ट इंडिकेटिव फॉर योर इंफॉर्मेशन। देन आफ्टर दिस एग्जॉस्ट एयर के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। तो एग्जॉस्ट एयर के लिए हमारा फ्लो रेट कितना है, एग्जॉस्ट एयर के लिए फ्लो रेट है 12, सॉरी फ्रेश एयर के लिए, हाँ फ्रेश एयर के लिए। तो फ्रेश एयर के लिए हम सिंपली जा सकते हैं 3 4 12, ओके, 3 मीटर हाइट 4 मीटर वेट, बट हमें वहां देखना भी है कि 3 मीटर हाइट मिल भी रही है नहीं मिल रही, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ये जो हमारी टोटल लेंथ है वो कितनी है, 4 मीटर की है, और एग्जॉस्ट एयर लूवर के जो प्लेस करोगे तो वो मिनिमम 300 mm ऊपर होना चाहिए फ्लोर लेवल से फ्रेश एयर के लिए, फ्रेश एयर या एग्जॉस्ट का भी प्लेस कर रहे हो तो वो 300 mm एटलीस्ट ऊपर होना चाहिए। तो ठीक है, मेरा अगर 3 मीटर की हाइट डालता हूँ तो मैं इट विल टेक ओवर, बिकॉज मैं हाई लेवल पे प्लेस करूंगा। विल गो टू द सिस्टम एग्जॉस्ट एयर टर्मिनल्स, फ्रेश एयर, ठीक है, फ्रेश एयर लोअर आई हैव टेकन, डुप्लीकेट 4 मीटर बाई 3 मीटर, मेक इट एज 3 मीटर बाई 4 मीटर, ओके। राइट, एंड जस्ट सेलेक्ट दिस वन, टेक आउट द डक्ट, ऑल्सो चेक द हाइट, ओके, सो इट शुड बी द हाई लेवल, मेक श्योर कर लें कि बॉटम से आपका मिनिमम 300 से ज्यादा ही हो, ठीक है, ओके, दैट इज फाइन। तो ये आपका, दिस इज योर फ्रेश एयर एंड दिस इज योर एग्जॉस्ट एयर। आई होप ऑल यू अंडरस्टूड, थैंक यू।